तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास ये सैमसंग का फ़ोन आया हुआ है, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, SMG550Y। तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ इधर। तो फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे अपना वाईफाई कनेक्ट कर चुका हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे नेक्स्ट करना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो टच है ये ऑटो वर्किंग करता है कभी कभी। यहाँ पे ऑटो वर्क कर रहा है टच यहाँ पे मेरा, तो मैं कुछ करना ही नहीं यहाँ पे। फ्रेंड हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो ये टच है ना, ये ऑटो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी लॉक है, FRP लॉक। देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड हम लोग इसे आज कैसे बाईपास करेंगे तो देखते रहिए। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे प्रेस तीन बार, जो होम की है जो तीन बार प्रेस करना है। तो यहाँ पे टायर ब्रेक मेरा ओपन हो जाएगा, अभी नहीं हुआ ओपन, फिर से कर देता हूँ। जिस तरह मेरा टायर ब्रेक ओपन हो चुका है, यहाँ पे टायर ब्रेक सेटिंग पे क्लिक करना है। उसको यहाँ नीचे, तो यहाँ पे हम लोग टालबैक ऑफ़ कर लेते हैं पहले तीन बार प्रेस करके। मैं टालबैक ऑफ हो चुका है, यहाँ नीचे देख सकते हैं। नहीं हुआ है यहाँ हैव ये हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करना है हम लोग को। सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे मेरा यूट्यूब वाला आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो थ्री डॉट है वहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे जो शेयर का बटन उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये यूट्यूब वाला लिंक पे क्लिक करना है। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यूट्यूब अपडेट मांग रहा है। तो फिर हम लोग कुछ करना नहीं है, सिंपल यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फ़ोन को हमें ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद हमको इसको रिकवरी मोड में ले जाना है, रिकवरी मोड में। फिर हम लोग को रिकवरी मोड में ले जाने के लिए सबसे पहले होम की वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप बटन और पावर की साथ में प्रेस करना है सब। चलिए मैं इसको रिकवरी की में ले आता हूँ। तो मैं रिकवरी में आ चुका है ये फ़ोन।
तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रिकवरी में फ़ोन आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को फैक्ट्री रिसेट कर लेना है यहाँ से। और यहाँ पे पार्टीशन को भी क्लियर कर लेना है, यहाँ पे रिबूट ना हो कर दें। फ्रेंड ऑन होने में थोड़ा समय लगेगा हमको यहाँ पे। फ्रेंड यहाँ पे जो मेरा ये यूट्यूब अपडेट मांग रहा था वो प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इधर ऐसा किसी भी कोई भी फ़ोन हो आपका सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा ऐसे में। फ्रेंड इसके यहाँ पर मेरा फ़ोन कंप्लीट ऑन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट करना है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग को वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पासवर्ड हम लोग को डाल लेना है यहाँ से। सकते फ्रेंड यहाँ पे मेरा वाईफाई जो है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को फिर वैसे क्लिक करना है, वैसे तीन बार प्रेस करना है होम की। यहाँ पे मेरा टॉलबैक ऑन हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ करना नहीं। यहाँ पे टॉलबैक सेटिंग पे क्लिक करना है, डबल प्रेस। यहाँ पे हम लोग को टॉलबैक ऑफ कर लेना है। ऑफ हो चुका है। यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करना है। उसको सबसे ऊपर वाला जो अंदर कंट्रोल योर एंड्रॉयड, देख सकते फिर यहाँ पे हम लोग का जो यूट्यूब आ चुका है यहाँ पे क्लिक करना है हमको यूट्यूब के लिए पे। उसके ऊपर जो थ्री डॉट है मेरा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद शेयर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो फिर देखते हैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक आ चुका है, उस पर क्लिक। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरा हम ब्राउज़र ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग को यहाँ पे सर्च कर लेना है। भी एन आर आर डॉट नेट बाईपास। फिर देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है मेरा। तो हम लोग को सबसे ऊपर बाईपास वॉल अकाउंट पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे जो ये एक एंड्रॉइड 5 जो है उस पर हम लोग को क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग डाउनलोड हो चुका है, हो रहा है। फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैक हो चुका है। सिंपली हम लोग को फिर से यहाँ पे क्लिक करना है हेल्प ऑन फीड, ये ऊपर सबसे ऊपर वाला जो है सेटिंग अबाउट, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं आ रहा है। पॉलिसी पे क्लिक करना, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आ चुका है ये। यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं विनरोम डॉट नेट एफ आर पी बाईपास सिंपली।
इस तरह फिर से मेरा ऊपर वाला आ चुका है, वो वहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। फिर से हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, वो मेरा डाउनलोड हो रहा है कि पता नहीं चल रहा, वो यहाँ पे हम लोग को वेट कर लेना है। बुकमार्क्स में देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री, वो डाउनलोड हिस्ट्री मेरा डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग को इंस्टॉल कर लेना है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंस्टॉल नहीं ले रहा है, ऐप नॉट इंस्टॉलेड। हम लोग दूसरा वर्जन लोडिंग करते हैं एंड्रॉयड 6, वो भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। एंड्रॉयड 6 क्लिक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। इससे फ्रेंड यहाँ पे ऐप नॉट इंस्टॉल्ड लिखा रहा है, एंड्रॉयड 8, 9, 10 जो है वो क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं वो इंस्टॉल ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसमें फिर यहाँ पे ऐप नॉट इंस्टॉल लिखा है, तो फिर हम लोग कुछ करना नहीं है, यहाँ से बैक कर लेना है। यहाँ पे हम लोग को एपिक्स लंचर लो डाउनलोड करना है। देख सकते हैं यहाँ पे एपिक्स लंचर, यहाँ पे हम लोग को डाउनलोड कर लेना सिंपली। उसको यहाँ पे हम लोग को टेक्नो के एपीके लोडिंग कर लेना है। एपिक्स लंचर मेरा डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर हम लोग टेक्नो केयर एपीके लोडिंग कर लेते हैं यहाँ से। डाउनलोड देखते हैं, यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग डाउनलोड हो रहा है, तो हम लोग फिर वहाँ हिस्ट्री में चल जाते हैं, डाउनलोड हिस्ट्री में। यहाँ पे मेरा अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है टेक्नो केयर, एपिक्स लंचर डाउनलोड हो चुका है, ये भी नहीं हुआ अभी तक। फिर थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं यहाँ पे।
हम लोग गूगल सेटिंग एपीके पे क्लिक करना है। इसके यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो रहा है गूगल सेटिंग एपीके। देखते हैं यहाँ पे क्लिक करना हम लोग, मेरा अभी डाउनलोड नहीं हुआ। अगर आपका एपीके लंचर टेक्नो केयर एपीके भी काम ना करे फिर आप ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। मैं डाउनलोड हो गया तो वो डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे गूगल सेटिंग। सिंपली हम लोग को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मेरा ओपन का ऑप्शन आ चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हम लोग ओपन कर, ओपन नहीं किए हम लोग, इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे जो हम लोग का ये डिवाइस जो रहता है फिन माई डिवाइस को हम लोग डीएक्टिवेट कर लेते हैं। बैक बैक उसको हम लोग एप्लीकेशन में चल जाते हैं। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग गूगल अकाउंट मैनेजर जो आता है गूगल प्ले सर्विस उसे हम लोग डिसेबल कर लेते हैं यहाँ से। अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पर हम लोग को ऐड अकाउंट कर लेना है। इस तरह यहाँ पे गूगल यहाँ पे हम लोग अपना अकाउंट डाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डाल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हम लोग पासवर्ड में कर लिए हैं। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करते हैं। इस पर मेरा अकाउंट ले लिया है, इसमें हम लोग यहाँ सिंपली ब्लैक ये बैक कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैंने डिसेबल किया था उसे इनेबल कर लेते हैं। इसे इनेबल कर चुके हैं, इसे बैक किया और जो डीएक्टिवेट हम लोग किए थे फ्रेंड माई डिवाइस को उसे भी एक्टिवेट कर लेते हैं। एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर तो यहाँ पे हम लोग को फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है।
फिर हम लोग ऑन हो चुका है, यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री टू ऑल, नेक्स्ट यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स ले रहा है मेरा। हम लोग को नेक्स्ट कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा अकाउंट जो है वो लॉग इन हो चुका है। देखते नॉट नाउ, यहाँ पे मोर एक्सेप्ट, उसके फ्रेंड मेरा ये वो फोन है वो अनलॉक हो चुका है FRP। और यहाँ से हम लोग इसका आपको मॉडल नंबर भी चेक करवा देते हैं। इसके आप इसका मॉडल नंबर 15 Pro G550FY। तो फ्रेंड आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।